हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने लुधियाना के तालाब बाजार से कान्हा जी की ड्रेसेस के लिए कुछ सामान लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं दिखाती हूँ कि मैंने आप क्या क्या सामान लिया है। तो फर्स्ट फ्रेंड्स, मैंने ली है ये पेस्टिंग वाली बुकरम, ये मुझे 10 रुपये मीटर मिली है। ये जो है कपड़े के साथ पेस्ट हो जाती है, ये एक साइड से इस तरह से और एक साइड से इस तरह से है। ये मैंने 1 मीटर ली है। ये एक मैंने फैदर का पैकेट लिया है। ये मैंने 30 रुपये का लिया है, इसमें काफ़ी सारे फैदर्स हैं, ये जो मैं कान्हा जी की ड्रेसेस के लिए यूज़ करूँगी। मैंने फोम के फ्लावर्स का पैकेट लिया है, इसमें 140 फ्लावर्स हैं और ये मुझे पड़ा है 60 रुपीज़ का। ये मैंने दो लिए हैं, एक ग्रीन कलर और एक रेड कलर का। इसमें मैंने फ्रेंड्स लिया ये स्टोन वाली लैस, ये मुझे 30 रुपये मीटर मिली है। ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कान्हा जी की ड्रेसेस पे, झूले पे, उनके मुकुट पे, ये हम आगे यूज़ करके दिखाएंगे। नेक्स्ट मैंने ये लिए हैं मोरपंख जी, ये मैंने बड़े वाले मोरपंख लिए हैं। फ्रेंड्स ये मैंने 40 पीसेस लिए हैं, ये मुझे 4 रुपये पर पीस पड़ा है। और ये मैं कुछ छोटे मोरपंख लाई हूँ मुकुट के लिए, ये मुझे 15 के 2 पड़े हैं। और एक मैं ये ग्लू लाई हूँ, फैब्रिक ग्लू पेस्टिंग के लिए, इससे आप स्टोन्स वगैरह कुछ भी पेस्ट कर सकते हैं। ये मुझे पड़ी है 35 की, बट इसका जो प्रिंट रेट है देखिए, इसका 43 रुपीज़ है। ये मैं स्टोन्स लाई हूँ, ये मुझे 10 रुपीज़ का पैकेट पड़ा है और इसमें जो है काफ़ी सारे स्टोन्स हैं। ये मैं पर्ल्स लाई हूँ, हाफ पर्ल्स, ये भी मैं 10 रुपीज़ के लाई हूँ, ये भी हम कान्हा जी की ड्रेसेस पे लगाएंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं इस तरह के ड्रेसेस पे लगाने के लिए बीड्स लाई हूँ, ये मुझे पूरा बंच जो है ये 15 रुपीज़ का पड़ा है, तो मैं 2 बंच लाई हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा उलझ गया है, देखिए गोल्डन और वाइट, ये मैं 2 बंच लाई हूँ, दोनों मुझे 30 रुपीज़ के पड़े हैं। फ्रेंड्स ये मैं स्टोन चेन लाई हूँ, ये मुझे 15 रुपीज़ पर मीटर पड़ी है, तो मैं 50 रुपीज़ की लाई हूँ, ये 3 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है। नेक्स्ट ये मैं बॉल चेन्स लाई हूँ फ्रेंड्स, ये मुझे तोल के मिली हैं, ये मुझे पड़ी हैं 7 रुपये तोला, कुछ ऐसे ही पड़ी हैं, तो मैं 60 रुपीज़ की ये सारी लाई हूँ। ये एक कलर की दो दो ढाई ढाई मीटर हैं, गोल्डन वाली थोड़ी ज़्यादा हैं, मुझे ये सारी 60 रुपीज़ की पड़ी हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं ये लाई हूँ, पेस्टिंग वाले बीड्स के पत्ते, ये गोल्डन कलर का है, ये मुझे पड़ा है 20 रुपीज़ का, ये भी हम कान्हा जी की ड्रेसेस पे, मुकुट पे, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इससे हम उनके एक्सेसरीज भी बना सकते हैं। ये मुझे 20 रुपीज़ का पड़ा है, ये वाला छोटा है तो ये मुझे 10 रुपीज़ का पड़ा है। और ये मैं स्माइलीज लाई हूँ, ये मुझे 25 रुपीज़ की पड़ी हूँ। ये जो स्माइलीज हैं ये फोम की नहीं है, प्लास्टिक की हैं, और ये भी हम कान्हा जी की ड्रेसेस पे यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट ये मैं लैसेस लाई हूँ कटवा कटवा के, कि मुझे पूरा का पूरा थान नहीं चाहिए था, तो मैंने उससे कटवा ली हैं जितनी मुझे ड्रेस के लिए चाहिए थी। देखिए इन सब के प्राइजेस जो हैं वो अलग अलग हैं, कि एक ये ड्रेस लैस है,
ये है, ये हम सारी अलग अलग ड्रेसेस पे यूज़ करेंगे। ये वाली बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये मैं रिबन लाई हूँ सिंपल कॉटन की ड्रेस पे लगाने के लिए। ये देखिए, ये क्रश्ड है थोड़ी सी, और यहाँ पे इसके जो है पर्ल्स लगे हुए हैं गोल्डन कलर के। एक ये वाली लेस है, ये मैं दो कलर्स में लाई हूँ, एक ये गोल्डन वाला और एक ये पिंक वाला। नेक्स्ट ये मैं डोरी लाई हूँ, ये भी मैं सिंपल कॉटन की ड्रेस पे लगाने के लिए लाई हूँ। ये तो मुझे 5 रुपये मीटर ही मिली है। नेक्स्ट मैं ये बीड्स वाली लेस लाई हूँ गोल्डन में। ये सारी जो लेसेस हैं, कोई मीटर है, कोई 2 मीटर है, कोई 2.5 मीटर है। ये मैं वेलवेट की लेस लाई हूँ, इसकी दोनों साइड जो है गोल्डन कलर की डोरी लगी हुई है। ये मैं गोल्डन कलर का गोटा लाई हूँ। ये देखिए मैं कहाँ यूज़ करती हूँ, झूले पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये एक मैं ये लेस लाई हूँ कि कितनी सुंदर है, ये हाफ रेड है, ग्रीन है एंड गोल्डन। ये भी हम सारी ड्रेसेस पे लगाएंगे। और लास्ट में एक डोरी लाई हूँ जिसे हम कुछ भी यूज़ कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मोर बनाने के लिए कहीं भी। फ्रेंड्स ये मैंने शॉपिंग की थी, और नेक्स्ट लास्ट में मैं ये लेके आई हूँ ब्लू कलर का वेलवेट का क्लॉथ कान्हा जी की ड्रेस के लिए। ये भी मैं कटवा के लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स होप आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। बाय बाय।